है क्योंकि मुझे फील हो रहा है ये मसल्स, ये सारी चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। आज मेरे साथ में हितेश हैं। हितेश पहली बार आए थे संडे को। हितेश की मिडिल बैक में, नेक में दिक्कत थी। जब ये फर्स्ट टाइम आए थे तब गर्दन और शोल्डर हिलाने में भी दिक्कत आ रही थी, थोड़ी हाँ थोड़ी है भाई। सी आ रही थी। हितेश बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट हैं और हितेश अकाउंटेंट का काम ही बैठे रहने का है। हितेश की एज 31 हाँ 31। 31 ईयर्स की है और एक्टिव नहीं हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? आजकल का तो टाइम ऐसा है ना कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, 1 घंटा तो अपने शरीर को आपको बिल्कुल बिल्कुल देना सही। पड़ेगा। और आपका आज टाइम 31 साल में, वैसे तो आप बहुत देखने में फिट हो, वैसे ये चीज नहीं बोलूंगा कि आप अनफिट लग रहे हो, लेकिन दुबला पतला रहने से भी दिक्कतें कई बार बैठने से भी हाँ आती हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो रोज हमारी एक वीडियो का वेट करते हैं, उनको हम ये बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम की वजह से आए और क्या वो लोग ऐसी चीज ना करें कि ऐसी दिक्कत ना हो। आइए, जैसे आप सर ने बताया मेरा नाम हितेश है, मैं अभी संडे को आया, मेरे बैक में काफी पेन हो गया था और मसल नोट भी फॉर्म हो गई थी एक तरीके से। तो सर ने कहा कि भाई ये तो आपके सिटिंग पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम है मेनली। तो इन्होंने बोला 3 दिन आप थेरेपी लीजिए, और संडे को तो ये प्रॉब्लम हो गई थी कि बैठना भी मुश्किल हो रहा था काफी। सैटरडे को आया था तो करीब 4:30 बजे आया था इनके पास। तो जैसे ही थेरेपी की इन्होंने, मेरे करीब 1 घंटे बाद काफी मेरे को रिलीफ महसूस हुआ, और थेरेपी के तुरंत बाद भी मेरे काफी रिलीफ हुई। ऐसी बात नहीं कि रिलीफ नहीं थी, मगर रात को आराम से सो पाया। और जैसे ही सर ने 3 डेज का पूरा ट्रीटमेंट बताया था मुझे, मैंने ट्रीटमेंट लिया और आज एकदम काफी कोई पेन महसूस में कर नहीं रहा। पहले तो जब एक आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जब जिस तरह से ये डिस्क्राइब कर रहे थे अपने दर्द को, मैं समझ गया था कि ये स्पैज़म में है, इन्होंने कुछ ना कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल किया है। वो पेशेंट तो आके सुबह यही बोलता है, जो सुबह से ऐसा हो गया हाँ या मैंने कुछ उठा लिया, बट वो उठा लिया या सुबह से नहीं होता, वो तो मसल ऑलरेडी फटीक थी। आपने कुछ जो भी करने की कोशिश की, उस फटीक स्टेट में वो मसल खिंच गई, है अच्छा ना। तो जब स्पैज़म होता है तो मुझे या हर किसी को पता है कि यूजली 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलता। अगर आप थेरेपी नहीं लेते तो ये 5-7 दिन चल जाता है। और जो लोग थेरेपी नहीं लेते, 5-7 दिन बाद दर्द तो खत्म हो जाएगा, बट वो बोलते रहोगे जी दर्द चला गया लेकिन अकड़न नहीं गई, तो आपकी लाइफस्टाइल बेटर नहीं हो पाती, आप फ्रीली अपने हाथ पांव नहीं चला पाते। तो सके अब हमारी ड्यूटी ये है तीसरे दिन कि हम हितेश को एनकरेज कर सकें कि वो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से ही ऐसा होगा कि इसका लाइफस्टाइल, इसका पोस्चर और ये दिक्कतें ना है। तो आपको मैंने इसका डोर्सल स्पाइन इसके ट्रीटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर दिया था। अब मैं इसका लंबर और सर्वाइकल स्पाइन आपको दिखाता हूँ, देखेंगे। एंड पहले भी नजर आ रहा था बट इसको हम खोल नहीं पा रहे थे इतने अच्छे से। रिलैक्स, जो ऐसे शूज देख के भी खुश हो रही कि आप एक चीज तो अच्छा कर रहे हो। रिलैक्स, कौन सी लगा रही है। और मैं ज्यादातर लोगों को या तो स्केचेस प्रिफर करने के लिए बोलता हूँ या एसिस के लिए बोलता हूँ, बिकॉज यही दो ऐसे ब्रांड हैं जो आपको वैल्यू फॉर मनी देते हैं। अब स्केचेस और एसिस वाले लोग देखते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर लो। ये तो ठीक हो गया लेकिन ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि ये इतना भरा पड़ा है, जमा पड़ा है। ये करते हैं सर, आप बैठे बैठे ना आपके पीछे का टेम्परेचर खत्म होने हैं। इजी इजी इसी। ये टाइट, ज्यादा टाइट है क्योंकि मुझे फील हो रहा है ये मसल्स, ये सारी चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट हैं इस तरह से। अब आपके दिल में कोई भी मैसेज आ रहा हो बोलने के लिए, अपने दिल से जो बात बोली जाती है उसको आप बोल सकते हो। ऑनेस्टली बोलो तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप सर से जरूर एक बार, अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है आपसे तो एक बार मिलिए। और हाँ, बट मेरे तो सर ने ये भी कहा कि आप सिटिंग पोस्चर अपना एकदम सही कीजिए, मेरे को पूरा गाइड किया है कि आप ऐसे बैठिए, आप जैसे 40-45 मिनट्स बैठते हैं उसके बाद उठिए, भी थोड़ा वॉक कीजिए सुबह सुबह, थोड़ी जैसे वॉक कीजिए। और ये बताया कि वो स्लीपिंग में भी इन्होंने बताया कि जैसे कोई आपका स्लीपिंग पोस्चर भी थोड़ा सही होना चाहिए। तो
तो यही नॉर्मल सी जो चीजें हैं जो बताई है, मगर उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कई बार, तो वही चीजें। हाँ, तो डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यंग हैं तो एक्टिविटी कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, जब हड्डियों में जान नहीं रहेगी तो नहीं बोलेंगे, है ना। कई लोग आते हैं वो पूछते भी नहीं है ना, हम बोलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन जब कोई यंग आता है, जब वो कर सकता है, इंजन में से धुआं निकल सकता है, तो निकालना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंजेस कर पा रहे हैं, आपकी सोच में, आपके लाइफ स्टाइल है कि उठने बैठने, खाने पीने में, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी और नहीं होगी। और अपने पेशेंट्स को पकड़ पकड़ के वीडियोज इसलिए बनवाता हूँ ताकि शायद आप लोग इंस्पायर हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।